नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद का हुआ तबादला। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कृष्णा करुणेश को मिली गोरखपुर जिले की कमान। विजय किरण आनंद बने बेसिक शिक्षा विभाग का विशेष सचिव एवं स्कूल शिक्षा का प्रभारी महानिदेशक, सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के निदेशक के साथ मेला अधिकारी, कुंभ मेला प्रयागराज का अतिरिक्त प्रभार। गोरखपुर जोन पुलिस द्वारा अपराधियों को सजा देने के लिए न्यायालय में की जा रही है कठोर पैरवी। एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, न्यायालय में पैरवी करके अपराधियों को दिया जा रहा है सजा। तीस मई को ग्राम रामगढ़ उर्फ रजही में जमीन व संपत्ति के लिए बुजुर्ग महिला की हत्या करने वाले अभियुक्त को कोराबार पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया खुलासा। प्रदेश के सभी जनपदों में पुलिस द्वारा माफिया व गैंगस्टर के विरुद्ध की जा रही है कठोर कार्रवाई। एडीजी जोन ने कहा, गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों की संपत्ति की जा रही है जब्त, आगे भी चलती रहेगी इस तरह की कार्रवाई। सिग्नल पर बाएं लेन को खाली रखकर शहर के यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में ट्रैफिक पुलिस को दे सहयोग। एडीजी जोन व एसपी ट्रैफिक ने कहा, वाहन चलाते समय नागरिक सिग्नल पर बाएं लेन को रखे खाली, यातायात नियमों का करे पालन। तीन जून को गुलेरिया थाना क्षेत्र में हुई हत्या के संबंध में तीन अभियुक्त हुए गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल, दो जिंदा कारतूस किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। भाजपा के 10 जून को होने वाले गरीब कल्याण जनसभा एवं नवीन क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन की तैयारियों को लेकर क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न। ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 7 जिलों के कार्यालय का होगा वर्चुअल उद्घाटन। जनपद में यात्रियों की सुविधा के लिए शासन के द्वारा दी जा रही है 25 नए इलेक्ट्रिक बसें। नगर आयुक्त ने कहा, 52 बसों से महानगर के यात्रियों को यात्रा करने में मिलेगी सहूलियत, नागरिकों को शहर में आने जाने में मिलेगी सुविधा। अपराध पर लगाम लगाने के लिए गोरखपुर जोन के सभी चौराहों पर ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाया जाएगा सीसीटीवी कैमरा। एडीजी जोन ने कहा, सीसीटीवी लगाने में सांसद, विधायक, प्रधान, पार्षद सहित बिजनेसमैन का लिया जाएगा सहयोग। अपराध व अपराधियों पर लगेगा लगाम। नागरिक सुरक्षा कोर कोतवाली व यातायात पुलिस तथा एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में चलाया गया यातायात जागरूकता अभियान। कहा, लोगों की जान बचाने के लिए लगातार चलाया जा रहा है यातायात जागरूकता अभियान। गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को शाहपुर एवं थाना गोरखनाथ पुलिस की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और खोराबार ब्लॉक के सिक्टौर स्थित भाजपा के नवीन कार्यालय भवन का 10 जून को होने वाले उद्घाटन के मद्देनजर नवीन भाजपा कार्यालय पर 24 घंटे चलने वाले अखंड रामचरितमानस का पाठ मंगलवार को हुआ शुरू। क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, बुधवार को समापन के दौरान भंडारे का भी किया गया है आयोजन। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार की शाम को शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 21 अधिकारियों के तबादला सूची जारी किया है, जिसमें गोरखपुर के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद सहित 9 जिले के जिलाधिकारी बदले गए हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कृष्णा करुणेश को गोरखपुर जिले की कमान दी गई है। गोरखपुर के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद को एक बार फिर बेसिक शिक्षा विभाग का विशेष सचिव एवं स्कूल शिक्षा का प्रभारी महानिदेशक, सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के निदेशक के साथ मेला अधिकारी, कुंभ मेला प्रयागराज का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जिलाधिकारी रहते हुए अनेकों विकास के कार्य किए। इसके अलावा भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया, जनता की समस्याओं का 100% निस्तारण करना ही जिलाधिकारी विजय किरण आनंद का उद्देश्य था। हमेशा प्रयास रहता
किया था कि शासन की योजनाओं का निचले पायदान तक के व्यक्ति को लाभ मिले। कुंभ मेला अधिकारी के रूप में पिछले कुंभ मेला का सफल आयोजन कर सरकार की वाहवाही बटोरी थी। आगामी कुंभ मेला जो पूर्ण कुंभ मेला प्रयागराज में होने वाला है, कुंभ मेला को एक बार फिर इंटरनेशनल पहचान दिलाने की शासन की मंशा को पूर्ण करने में विजय किरण आनंद का अनुभव काम आएगा। स्कूल शिक्षा के महानिदेशक के रूप में प्रेरणा ऐप को विजय किरण आनंद ने न केवल डेवलप कराया अपितु उसे फोर्सफुली इम्प्लीमेंट भी कराया। इसी कारण शासन ने तेज सरदार IAS विजय किरण आनंद को एक साथ कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को सौंपा है। जोन पुलिस द्वारा आपराधिक मामलों की न्यायालय में प्रभावी कार्रवाई करके अपराधियों को सजा दिलाया जा रहा है, जिसके संबंध में ADG जोन अखिल कुमार ने बताया है कि अपराधी अपराध ना कर पाए उसके आपराधिक गतिविधियों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया जाए और अपराधियों पर जो मुकदमे कायम है उस पर प्रभावी ढंग से न्यायालय में पैरवी किया जाए, जिसके लिए ऑपरेशन सिकंजा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रमुख अपराधी व सनसनीखेज अपराधों पर प्रभावी पैरवी की जा रही है, जिसमें प्रभावी पैरवी कारण आजीवन कारावास की सजा हुई है। इसके अलावा 2 मामलों में मृत्यु दंड की सजा मिली है, जिसकी कार्यवाही लगातार चल रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADG जोन अखिल कुमार ने कहा, देखिए एक पहलू है कि एक तो है कि अपराधी अपराध ना कर पाए उसके आपराधिक गतिविधियों के आधार पर उनको मुकदमे कायम किए जाए, जेल भेजे जाए। दूसरा पहलू है कि उन जो मुकदमे उस पर कायम है उस पर पैरवी प्रभावी ढंग से की जाए न्यायालय में। तो ऑपरेशन शिकंजा नाम कर हम लोगों ने अभियान चला रखा है, जिसमें प्रमुख अपराधी और सनसनीखेज अपराधों पर प्रभावी पैरवी की जा रही है। कई मामलों में हम लोगों ने आजीवन कारावास किया है, 2 मामलों पर मृत्यु दंड भी मिली है। तो इस तरह के कई मामले प्रकाश में आए हैं अभी हाल में, जिसमें इससे और सफलता मिलने लगी है। और ये एक थोड़ी, चूँकि जुडिशल प्रोसेस थोड़ा टाइम लगता है हमें, लेकिन धैर्य रखने की ज़रूरत है, और अगर हम सजा करा लें तो वो अंततः हमारी सही रूप में असली जीत वो होगी। तो उस दिशा में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं कि प्रभावी पैरवी करें कोर्टों में और लोगों के खिलाफ कन्विक्शन ज़्यादा ज़्यादा ला सकें। खोराबार पुलिस ने हत्या में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को बुढ़िया माता मंदिर तिराहे से आगे उत्तर तरफ कच्चे रास्ते तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान राजू निषाद पुत्र स्वर्गीय जवाहर निषाद निवासी रामगढ़ उर्फ रजही वनसप्ती टोला थाना खोराबार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उसने ही 30 मई को अपनी दादी राजवंती देवी पत्नी फल्ली निषाद की जमीन व संपत्ति के मामले को लेकर हत्या कर दी थी। SP सिटी ने बताया कि अभियुक्त हत्या के मामले में वांछित चल रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को SSP ने 25,000 का इनाम दिया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खोराबार थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह, कांस्टेबल आशुतोष मिश्रा, अजीत यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, अपराधियों एवं अपराध पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आज खोराबार पुलिस द्वारा 30 मई की रात को एक गला घोंटकर 70 वर्षीय महिला की हत्या की गई थी। उस हत्या का सफल अनावरण आज खोराबार पुलिस द्वारा किया गया है। इसमें महिला राजवंती देवी, उसके पोते राजू निषाद को खोराबार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद था। राजू निषाद पर किसी प्रकार के कोई मुकदमे दर्ज नहीं है। पूछताछ में उसने बताया है कि उसके साथ में अन्य लोग भी थे, उन पूछताछ करके और अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। गला घोट के हत्या की है, तो इसमें बरामदगी का ऐसा कोई प्रश्न नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनके मोबाइल जिसमें अपना आपस में बातचीत की थी, उन सभी मोबाइल को फॉरेंसिक के लिए जरूर बरामद किया गया है।
उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पुलिस द्वारा माफियाओं व गैंगस्टर के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार पहले भी अपराधियों के खिलाफ कठोर निर्णय लेती आ रही है और वर्तमान में भी सरकार अपराधियों के खिलाफ गंभीर है। जो माफिया है व प्रमुख अपराधी है उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई कर रही है। वर्तमान में 100 दिन का अभियान चल रहा है जिसमें प्रमुख माफिया है व प्रमुख अपराधी है उनकी गिरफ्तारी, गैंगस्टर संपत्ति की जब्ती कार्रवाई चल रही है, जिसकी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश का हर जिला व हर थाना अध्यक्ष लगा हुआ है, जिसमें अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। इसलिए सभी अधिकारियों को यह कार्रवाई लगातार करनी चाहिए जिससे कि अपराधियों पर लगातार दबाव बना रहे, उनकी कमर टूटी रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, देखिए प्रदेश में पूर्व में भी सरकार इस विषय में काफी कठोर निर्णय लेती रही हैं और वर्तमान में भी सरकार काफ़ी गंभीर है कि जो माफिया हैं और जो प्रमुख अपराधी हैं उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश पुलिस कठोर कार्रवाई करती रहे। वर्तमान में 100 दिन का अभियान चल रहा है जिसमें जितने प्रमुख माफिया हैं और प्रमुख अपराधी हैं उनके खिलाफ गिरफ्तारी, उनके खिलाफ गैंगस्टर, उनके खिलाफ प्रॉपर्टी जब्तीकरण, ये सभी कार्रवाई सम्यक रूप से चल रही है। इस दिशा में हर जिला लगा हुआ है, हर थाना प्रभारी लगा हुआ है और इसमें काफ़ी सार्थक रिजल्ट्स भी आए हैं, बट ये लगातार करने की आवश्यकता है ताकि अपराधियों पे दबाव बना रहे और उनकी कमर टूटी रहे। जनपद में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए 2 महीनों से लगातार प्रयास चल रहा है, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार 2 महीने से प्रयास चल रहा है जिसका परिणाम सार्थक मिल रहा है। पहले शहर सोमवारी जाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ करता था, अब वह नहीं के रूप में दिख रहा है। इसके अलावा ITMS के द्वारा लगातार लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है जिसका लोग पालन भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, जैसे कि कुछ लोग बाएं लेन को खाली नहीं रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों में सुधार आ रहा है, उम्मीद है कि अगले 2 महीनों में जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी लोगों के घर फाइन पहुंचने लगेगा, लोग ट्रैफिक रूल का पालन करने लगेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बाएं लेन को नहीं जानते हैं कि खाली रखना है या किधर किस तरह से जाना है, लेकिन अब लोगों में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें व बाएं लेन खाली रखें। इस संबंध में SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह ने कहा कि सभी नागरिक वाहन चलाते समय सिग्नल पर बाया लेन को हमेशा खाली रखें जिससे कि जाम ना लगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके पीछे एम्बुलेंस हो, पुलिस की गाड़ी हो जिसको कहीं जल्दी पहुंचना हो। अगर कोई व्यक्ति बाया लेन खाली नहीं रखता है या एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देता है तो उसके ऊपर ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह और ADG जोन अखिल कुमार ने कहा, कृपया ध्यान दें जो भी पिछले मार्ग पर चलाएं, अगर आपको बाएं से बाएं जाना है तो बाएं ले पकड़ के बाएं चले जाएं, ये बाएं चले जाएं, बाया लेन को खाली अवश्य करें, बाया लेन को खाली अवश्य करें। चौक वाले रोड पे आ रहे हैं, ये लेफ्ट लेन को ब्लॉक करके खड़ा है, खड़े हैं, ये
देखिए, बाई लेन का सभी को प्रयोग करना चाहेंगे, क्योंकि बाई लेन हमेशा खुला रखेंगे, आपके पीछे वाले को बाएं जाना है, पीछे एम्बुलेंस भी हो सकती है, फायर की गाड़ी भी हो सकती है, पुलिस की गाड़ी भी हो सकती है, तो लेफ्ट लेन इमरजेंसी वालों के लिए खाली रखना चाहेंगे। और वैसे तो इमरजेंसी व्हीकल जहाँ भी जाना चाहे हर तरफ नागरिकों को रास्ता देना चाहिए, इमरजेंसी वाहन को रास्ता ना देने पे जुर्माना भी लंबा है, 10,000 रुपये जुर्माना है। मेरा आप लोगों के माध्यम से, समस्त मीडिया बंधुओं के माध्यम से, सभी चैनलों के माध्यम से ये अनुरोध है गोरखपुर की जनता से कि सब लोग लेफ्ट लेन को खाली रखें, ताकि हम लोग एक बेहतर व्यवस्था यहाँ पर गोरखपुर को दे सकें। देखिए, शहर में ट्रैफिक के सुधार के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं, खास करके पिछले 2 महीनों में बहुत प्रयास हुए हैं, और हम ये कह सकते हैं कि ट्रैफिक नियंत्रण एक सही दिशा में जा रहा है। जो जामें पहले लगा करती थी, सोमवारी जाम के नाम से फेमस होता था गोरखपुर, अब वो नहीं के रूप में दिख रहा है। साथ ही साथ जो ITMS के प्रयोग से जो हमारे कैमराज लगे हैं और ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हैं, उसमें भी जनता में जागृति आई है और लोग में डिसिप्लिन बेटर हुआ है पहले से। परंतु एक सतत प्रक्रिया है, अभी भी कुछ है जैसे लेफ्ट टर्न में नहीं रुकना, या कुछ लोग अभी भी वायलेशन कर रहे हैं। तो एक शुरुआती पहल है, मेरे ख्याल से पहले 2-3 महीने ही चल रहे हैं इसके। आने वाले समय पे जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, जैसे जैसे फाइन्स लोगों के घर पहुंचने लगेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इस विषय में जागरूकता बढ़ने के बाद लोग स्वयं ही ट्रैफिक रूल्स को अबाइड करेंगे, और हमारे शहर में भी एक आइडियल शहर के रूप में धीरे धीरे निकलने लगेगा, जहाँ लोग एक डिसिप्लिन रूप में सड़कों का यूज़ करेंगे और ट्रैफिक हमारा काफ़ी बेहतर हो सकेगा। सर, बाई लेन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लेन्स हैं या बाई लेन्स हैं, उनका प्रयोग अभी हम उस लेवल पे नहीं आया शहर कि लोग जाने कि लेन ड्राइविंग क्या होती है, बाई लेन्स किस लिए प्रयोग होता है, कहाँ से आना है, किधर जाना है। एक शहर मैं ये कहूँगा कि एक सही दिशा में जा रहा है ट्रैफिक में, जो पहले मैं देखा था 6 महीने स्थिति थी, आज उसमें काफ़ी सुधार आया है। हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है, आपके माध्यम से भी एजुकेट करने के लिए ज़रूरत है कि लेन्स और बाई लेन्स का प्रयोग जिन जिन कारणों या जिन विषयों जिस चीज़ों के लिए होता है उसी के लिए करा करें। जितना भी आप वायलेशन करेंगे, हर चीज़ के लिए हमारे कैमराज लग गए हैं, और यही कारण है कि हम लोग अन्य कैमराज भी लगाने पर जोर दे रहे हैं। ये वायलेशन में आप पकड़े जाएंगे और फिर हमारे पास डिजिटल एविडेंस होगा जिसको आप नकार नहीं पाएंगे। जनता से मेरा अनुरोध है कि इस विषय में एक अच्छे नागरिक होने का अपना दायित्व निर्वहन करें और हमारे ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट में मदद करें। गुलेरिया पुलिस ने हत्या में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को रहरवा सरैया नहर पुलिया से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान राजेश साहनी पुत्र छोटेलाल बनगाई थाना गुलेरिया जनपद गोरखपुर, दूसरा सज्जन साहनी पुत्र परिखन निवासीगढ़ बनगाई थाना गुलेरिया जनपद गोरखपुर, तीसरा रवि पुत्र रामगति भुज निवासी झुगिया थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से एक अवैध पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। SP सिटी ने बताया कि अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि साहब राम सज्जन के कहने पर हमने अजय राम सज्जन रवि के साथ मिलकर पुरानी रंजिश को लेकर राजेश साहनी पुत्र स्वर्गीय सोहित साहनी से दिनांक 3 जून को समय करीब 8:30 का रहा होगा उससे बात की कि तुम लोग क्यों गाली गुत्ता देते हो। इसी पर अजय साहनी व राम सज्जन ललकारने लगे कि आज साला मिल गया है, इसको जाने मत दो, आज इसको जान से मारकर खत्म कर दिया जाएगा। हम लोग मिलकर राजेश साहनी को मारने पीटने लगे कि शोर सुनकर उसका भतीजा धनंजय पुत्र राम नरेश भी आ गया और हम लोगों से भिड़ गया और अजय साहनी को उठाकर पटक दिया। तब तक हम लोग अपने को घिरा देखकर राम सज्जन को ललकारे कि असलाह काहे लिए रखे हो, इन सालों को गोली मार दो, जिससे राम सज्जन ने पिस्टल निकाल कर धनंजय के सीने पर गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया। तब तक वहां पर अफरा तफरी मच गया, हम लोग भी वहां से जान बचाकर भाग गए तथा अजय साहनी को गांव के लोगों ने पकड़ लिया और मारे पीटे, जिससे अजय साहनी को भी चोटें लगी। बाद में पता चला
बताया कि दवा इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाते समय धनंजय की मृत्यु हो गई है। उन्होंने बताया कि तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गुलहरिया थाना प्रभारी उमेश कुमार वाजपेयी, वरिष्ठ उप निरीक्षक अमित राय, उप निरीक्षक सुदेश कुमार शर्मा, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार, हरिंद्र सिंह, राजू यादव, दयाशंकर यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, थाना गुलेरिया विवाद गाड़ी धक्का देकर शुरू हुआ था। धनंजय राजेश सामी को बीच में बचाने के लिए आया था, तो ये तीन चार लोग साथ में थे, उन्होंने एक में जिसने राजेश सानी और दो अन्य लोग थे वो मारपीट कर रहे थे, उनको बताया कि आप असला लेके क्यों खड़े हो, जब ये नीचे गिरा दिया, एक व्यक्ति को पीट रहे थे और उसका असला निकाल गिरफ्तार किया गया। उनमें से तीन यहाँ पर मौजूद हैं एवं एक को पुलिस लोगों ने वहीं पर पकड़ा और पीटा था, उसकी पुलिस अभी सामने उसका इलाज चल रहा है। जनपद गोरखपुर में अपराधियों एवं अपराध पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गुलरिया थाना में 3 जून की रात को एक व्यक्ति धनंजय की गोली मारकर हत्या की गई थी। उसका सफल अनावरण गुलरिया पुलिस द्वारा किया गया है। इसमें मृतक धनंजय को गोली मारने वाले व्यक्ति एवं 3 अन्य व्यक्ति जिसने असला सप्लाई किया था और जो मौके पर मौजूद थे मारपीट करने में भी, उन सबको पकड़कर पुलिस ने हत्या के मुकदमे का सफल अनावरण किया है। हत्या का मुख्य कारण शुरुआत गाली गुप्ता देने से हुई, जो इसके पड़ोस में रहते हैं, लेकिन उसके बाद में गाली गलौज शुरू हुआ। गाली गलौज शुरू होने के बाद में धनंजय बीच बचाव करने के लिए आया राजेश सानी का, उसमें फिर 2 लोग जिन्होंने ललकारा राम समझ को ललकारा कि आप असला है फिर लेके क्यों खड़े हैं आप, तो उसको ललकारने पर उसने असले से पुलिस फायर किया उस पर और उससे उसकी हॉस्पिटल ले जाते समय मृत्यु हो गई। इन सब लोगों का बड़ा लंबा आपराधिक इतिहास है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपराधिक इतिहास है सजन सानी का, जिसके ऊपर 7 मुकदमे दर्ज है। इसमें आबकारी अधिनियम एवं 307 एवं 7CLA जैसे मुकदमे दर्ज हैं। एक दूसरा अभियुक्त है अजय सानी, उसके ऊपर हत्या के प्रयास जैसे मुकदमे दर्ज हैं। रवि उर्फ राहुल, इसके ऊपर 7CLA जैसे संगीन अपराधों में मुकदमे दर्ज हैं। चारों अच्छे खासे अपराधी हैं एवं जिस व्यक्ति के पास से पिस्टल बरामद हुआ है उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। पिस्टल जो 9mm बोर की पिस्टल उसने एक आजीवन सजा याफ्ता जो अभी गोरखपुर जेल के अंदर आजीवन कारावास की जेल काट रहा है उसे 45,000 रुपये में इसने खरीदी थी एवं उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई की जाएगी। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद का हुआ तबादला। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कृष्णा करुणेश को मिली गोरखपुर जिले की कमान। विजय किरण आनंद बने बेसिक शिक्षा विभाग का विशेष सचिव एवं स्कूल शिक्षा का प्रभारी महानिदेशक, सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के निदेशक के साथ मेला अधिकारी, कुंभ मेला प्रयागराज का अतिरिक्त प्रभार। गोरखपुर जोन पुलिस द्वारा अपराधियों को सजा देने के लिए न्यायालय में की जा रही है कठोर पैरवी। एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, न्यायालय में पैरवी करके अपराधियों को दिया जा रहा है सजा। तीस मई को ग्राम रामगढ़ उर्फ रजही में जमीन व संपत्ति के लिए बुजुर्ग महिला की हत्या करने वाले अभियुक्त को कोराबार पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया खुलासा। प्रदेश के सभी जनपदों में पुलिस द्वारा माफिया व गैंगस्टर के विरुद्ध की जा रही है कठोर कार्रवाई। एडीजी जून ने कहा, गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों की संपत्ति की जा रही है जब्त, आगे भी चलती रहेगी इस तरह की कार्रवाई।
सिग्नल पर बाएं लेन को खाली रखकर शहर के यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में ट्रैफिक पुलिस को दे सहयोग। एडीजी जोन व एसपी ट्रैफिक ने कहा, वाहन चलाते समय नागरिक सिग्नल पर बाएं लेन को रखे खाली, यातायात नियमों का करे पालन। तीन जून को गुलेरिया थाना क्षेत्र में हुई हत्या के संबंध में तीन अभियुक्त हुए गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल, दो जिंदा कारतूस किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। भाजपा के 10 जून को होने वाले गरीब कल्याण जनसभा एवं नवीन क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन की तैयारियों को लेकर क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न। ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 7 जिलों के कार्यालय का होगा वर्चुअल उद्घाटन। जनपद में यात्रियों की सुविधा के लिए शासन के द्वारा दी जा रही है 25 नए इलेक्ट्रिक बसें। नगर आयुक्त ने कहा, 52 बसों से महानगर के यात्रियों को यात्रा करने में मिलेगी सहूलियत, नागरिकों को शहर में आने जाने में मिलेगी सुविधा। अपराध पर लगाम लगाने के लिए गोरखपुर जोन के सभी चौराहों पर ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाया जाएगा सीसीटीवी कैमरा। एडीजी जोन ने कहा, सीसीटीवी लगाने में सांसद, विधायक, प्रधान, पार्षद सहित बिजनेसमैन का लिया जाएगा सहयोग। अपराध व अपराधियों पर लगेगा लगाम। नागरिक सुरक्षा कोर कोतवाली व यातायात पुलिस तथा एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में चलाया गया यातायात जागरूकता अभियान। कहा, लोगों की जान बचाने के लिए लगातार चलाया जा रहा है यातायात जागरूकता अभियान। गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को शाहपुर एवं थाना गोरखनाथ पुलिस की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और खोराबार ब्लॉक के सिक्टौर स्थित भाजपा के नवीन कार्यालय भवन का 10 जून को होने वाले उद्घाटन के मद्देनजर नवीन भाजपा कार्यालय पर 24 घंटे चलने वाले अखंड रामचरितमानस का पाठ मंगलवार को हुआ शुरू। क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, बुधवार को समापन के दौरान भंडारे का भी किया गया है आयोजन। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसड़, गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। Conditions apply. रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय।
मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलवार को बेनीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय कार्यालय पर 10 जून को गरीब कल्याण जनसभा एवं नवीन क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन की तैयारियों को लेकर पदाधिकारी पार्षद एवं मंडल अध्यक्षों की बैठक की गई, जिसके संबंध में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि 10 जून को नवीन भाजपा क्षेत्र कार्यालय का उद्घाटन एवं गरीब कल्याण जनसभा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ साथ 7 जिलों के कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन होगा, उसी तैयारी को लेकर यह बैठक की गई है। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे, महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, महानगर मंत्री अवधेश अग्रहरी, रणविजय साहे, जितेंद्र चौधरी, रमेश प्रताप गुप्ता, अजय त्रिपाठी, छोटेलाल पासवान, जितेंद्र सैनी, पद्मा गुप्ता, चंद्रशेखर सिंह, अशोक गुप्ता सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा, की तरह से हम सभी के साथ हमेशा काम करते रहते हैं। हम सभी जिनसे प्रेरणा लेते हैं कि महानगर में कैसे काम करना चाहिए, हम सभी को बहुत ही आसानी होती है। अतिथि गोरखपुर क्षेत्र के सर्वाधिक लोकप्रिय क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी का आज की इस बैठक में हार्दिक स्वागत। क्षेत्र के उपाध्यक्ष श्री विश्वजीत आंसु सिंह आसू जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल श्रीवास्तव जी, पूर्व महापौर श्रीमती सत्या पांडे जी, क्षेत्र के उपाध्यक्ष उपस्थित सभी हमारे महानगर के पदाधिकारीगण, मंडल के अध्यक्ष महामंत्रीगण, मोर्चा के अध्यक्षगण एवं सभी माननीय पार्षदगण, आप सभी का आज की इस बैठक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मार्गदर्शन क्षेत्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। निश्चित ही उस कार्यक्रम में एक लक्ष्य तय है, क्योंकि वो कार्यालय महानगर के अंदर आता है, तो महानगर के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों फर्स्ट टाइम में ये कार्यक्रम रखा गया है ताकि हमारा कार्यक्रम 1 बजे तक समाप्त हो जाए। लेकिन हम सभी को एक बार प्लानिंग करके अपने अपने मंडल में अपने अपने शक्ति के साथियों को भी कार्यक्रम में लाना है, क्योंकि गरीब कल्याण जनसभा भी उसमें होनी है। उसी की तैयारी की दृष्टि से आज की ये बैठक बुलाई गई है। एक बार पुनः आप सभी का आज की इस बैठक को बहुत ही परिश्रम के साथ क्रमांक 1 पर लाने का प्रयास करता है। अब मैं सीधे बधाई के पात्र हैं, लेकिन सभी कार्यक्रमों में सहयोग करके आगामी 10 जून को भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के कार्यालय का उद्घाटन होना है। उसके साथ साथ 7 और जिलों के कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन होना है। उसकी तैयारी की दृष्टि से आज गोरखपुर जिला और गोरखपुर महानगर की यह बैठक आयोजित थी। गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के करकमलों द्वारा होना है। तो उसके दृष्टि से उद्घाटन और वहां पर एक गरीब कल्याण जनसभा होनी है। उस जनसभा की तैयारी की दृष्टि से गोरखपुर जिला और गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ताओं की, सभी जनप्रतिनिधियों की ये बैठक आयोजित थी और उसी की योजना रचना को हमने यहाँ बनाया है। शासन के द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए जनपद में 25 नए इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि महानगर में यातायात की प्रमुख समस्या आए दिन यहां पर जाम लगते हैं, जिसमें आम जनमानस का समय नष्ट होता है। वहीं पर बहुत से लोगों के जरूरी काम भी छूट जाते हैं, जिसको देखते हुए शासन के द्वारा यातायात को सुगम बनाने के लिए यहाँ पर 25 इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें से 15 बस यहाँ पर आ चुकी है और नागरिकों को सुविधा मुहैया करवा रही है, जो कि डेली 1 लाख से 1.5 लाख रेवेन्यू दे रही है, जो कि यूपी में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही किराया भी बहुत कम है, जिसका दायरा भटहर सहजनवा तक बढ़ा दिया गया है, जिसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। डिमांड को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 25 अन्य इलेक्ट्रिक बसें देने को कहा है, जिसका प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव नगर विकास को भेज दिया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही गोरखपुर को 10 पहले की बकाया व 25 अन्य बसें आ जाएंगी। इस तरह कुल 35 बसें आएंगी, जो कि शहर में आने वाले यात्रियों को सुविधा उपलब्ध करवाएंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, जैसा कि आपके भी संज्ञान में होगा,
कि जो यातायात में जाम की समस्या है गोरखपुर के आम जनमानस की सर्वप्रमुख समस्या है। आए दिन यहाँ पर बड़े बड़े जाम लगते हैं जिससे जहाँ पर आम जनमानस का समय नष्ट होता है वहीं पर बहुत से लोगों के जरूरी काम भी छूट जाते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए शासन के द्वारा जो है यातायात को सुगम बनाने के लिए सुलभ बनाने के लिए यहाँ पर 25 इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा प्रदान की गई है। ये इलेक्ट्रिक बस जो हैं इनमें से 15 बस जो यहाँ पर आ चुकी हैं और इस वक्त पूरे शहर में चल रही हैं और बड़े खुशी की बात ये कि ये बसें जो हैं डेली 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में रेवेन्यू दे रही हैं और इनका रेवेन्यू देने का जो इनका औसत है पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो है ये बसें पूरी तरह से वातानुकूलित हैं, इनकी जो यात्रा का किराया है दूरी के हिसाब से वो भी अत्यंत न्यूनतम है और इन सब चीज़ों को देखकर आप कभी भी देखोगे इन इलेक्ट्रिक बसों को पूरे समय इसमें पैसे यात्री जो हैं भरे रहते हैं और एकदम बिना किसी आवाज़ के एसी वाली गाड़ी से सभी लोग यात्रा करना चाहते हैं। और अभी इसी बीच भदहट सजनवा आदि क्षेत्रों में भी इसका हमने दायरा बढ़ाया है लेकिन आम जनमानस और पब्लिक के द्वारा इसकी उपयोगिता को देखते हुए लगातार डिमांड किए जा रहे हैं। तो अभी हमारे पास 10 बसें जो और आनी है पहले चरण की, इसके अलावा 2 टूरिज्म बस आ चुकी है जो कि एयरपोर्ट से लेकर रामगढ़ ताल मंदिर चिड़ियाघर अन्य प्रमुख जगहों पर जाकर पर्यटकों को वहाँ की सैर कराएगी। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर जो डिमांड को देखते हुए आदेशित किया गया है कि तत्काल ही 25 अन्य जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उनकी संबंध में प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने तत्काल ही जो इसका 25 बसों का आवंटन के लिए अपर मुख्य सचिव नगर विकास महोदय को पत्र लिखकर सूचित किया गया है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही ये बसें यहाँ पर आ जाएंगी। इस प्रकार से यहाँ के अपने जो 52 बसों का जो यहाँ पर एक फ्लीट हो जाएगी उसकी वजह से जो हमारा सिटी एरिया है प्लस उसके आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ से कि बहुत सी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और दिल्ली के लोग वहाँ पे जो हैं यहाँ पर शहर में आते हैं अपने काम के सिलसिले में उनको बहुत बड़ी सुविधा इससे प्रदान हो जाएगी। इसलिए सभी लोग हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अतिशीघ्र ये बसें यहाँ पर शहर में आ जाएँ और शहर के निवासियों को अपनी सेवाएँ दे सकें। गोरखपुर जोन में अपराध रोकने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सर्वाधिक सीसीटीवी लगाया जाएगा जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि अपराध नियंत्रण में सीसीटीवी की उपयोगिता काफी कारगर साबित हो रही है। बहुत से ऐसे मामले हैं जो कि सीसीटीवी उपलब्ध होने पर खुलासा किया जा रहा है जिसमें निर्दोष व्यक्ति बच जा रहा है क्योंकि कभी कभी फर्जी नामजदगी हो जाती है। इस तरह सीसीटीवी काफी सार्थक साबित हो रहा है जिसको देखते हुए ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू किया गया है जिसमें सभी थानाध्यक्षों क्षेत्र अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सम्मानित नागरिक बिजनेसमैन सांसद विधायक ग्राम प्रधान पार्षद हैं उनसे संपर्क करके उनसे प्रमुख चौराहों को गलियों को गोद लेने के लिए अनुरोध किया जाए जिससे शहर के हर चौराहे पर सीसीटीवी लगी रहे जिससे अपराध नियंत्रण करने में सहायता मिले और उन सभी व्यक्तियों के योगदान की चर्चा की जाए जिसमें कुछ लोग अपना योगदान भी दे रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा जैसे आपने ऑपरेशन त्रिनेत्र का तो ठीक है हमने शुरू किया था मैं बोल दूंगा बाकी ट्रैफिक और फिर चला अभी आप कई चौराहे पर मुझे आपको सिर्फ देखेगा लाइव पिक्चर मिलती है। देखिए सीसीटीवी की उपयोगिता अपराध नियंत्रण में काफ़ी पाई जा रही है। कई ऐसे केसेस हैं जो कि सीसीटीवी उपलब्ध होने पे उनके फुटेजेस उपलब्ध होने पे हम उन केसेस को जो अज्ञात थे और जटिल केसेस थे उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। इसमें कई मामलों में निर्दोष आदमी बच भी जा रहे हैं क्योंकि फर्जी नामजदगी बहुत हो जाती है आदमी कहीं होता है उसकी नामजदगी हो जाती है ऐसे मामलों में भी सीसीटीवी काफ़ी सार्थक प्रतीत हो रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने ये एक ऑपरेशन शुरू किया है त्रिनेत्र के नाम से जिसमें हम लोगों ने सभी अपने थानाध्यक्षों को क्षेत्राधिकारी को बोला है कि अपने क्षेत्र के जो जनमान्य गण हैं जनप्रतिनिधि हैं जैसे कि सांसद जी हैं विधायक जी हैं ग्राम प्रधान हैं इन सबों से संपर्क करें जो प्रमुख व्यवसायी हैं जिसमें यहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं वो लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है पेट्रोल पंप ओनर्स हैं अन्य व्यवसायी हैं उन सब से अनुरोध करके और उनकी सहमति से
अलग अलग स्थानों पर उनसे प्रमुख चौराहों को, गलियों को गोद दिलवाया जाए, और वो गोद जब लेंगे तो वहाँ पर CCTV लगवाया जाए अच्छी क्वालिटी के, जिससे अपराध नियंत्रण करने में हमें सहायता मिले और उन लोगों का भी वहाँ पर इस बात की चर्चा हो कि हाँ, इस संस्था ने, इस व्यक्ति ने यहाँ पर इस क्षेत्र में जन सहयोग किया है और शहर की सुरक्षा में एक सार्थक कदम उठाया। इस प्रयोग को हमने जब शुरुआत की तो अभी यहाँ जो पैथोलॉजी है बेतिया हाता में, लाइफ पैथोलॉजी, उनके ओनर हैं डॉक्टर अमित, मैंने उनसे बात की और वो उन्होंने सहर्ष बेतिहाता थाने पर बेतिहाता चौराहों को गोद लिया है और वो CCTV लगवाएंगे अपनी तरफ से। तो एक छोटे से प्रयास से यह दिखता है कि शहर के जो हमारे अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे व्यवसायी हैं, अच्छे लोग हैं, इस ओर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। एक सार्थक पहल की आवश्यकता है। इसी दृष्टिकोण हम लोगों ने सभी से अनुरोध किया कि अपने अपने क्षेत्र में CCTV लगवाने के लिए मुहिम करें और जन सहयोग से और आप उनकी सहमति से, जनता के जो अच्छे लोग हैं उनकी सहमति से CCTV लगवाएं। मेरा मानना है कि हम जितना ज़्यादा आच्छादित कर पाएंगे अपने शहर को जन सहयोग से, उतना ज़्यादा हमारा शहर सुरक्षित होगा और अपराध नियंत्रण में हमें बहुत मदद मिलेगी। मंगलवार को यातायात जागरूकता अभियान के अंतर्गत नागरिक सुरक्षा कोतवाली व यातायात पुलिस तथा SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में कचहरी चौराहों पर वाहनों को यातायात नियमों के लिए जागरूक किया गया, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि यातायात नियमों के विरुद्ध जागरूकता के लिए, रोड सेफ्टी के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए लगातार यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इस जागरूकता में सिविल डिफेंस के लोग भी साथ दे रहे हैं और नागरिकों के लिए ट्रैफिक रूल समझाया गया और आगे विद्यालय के माध्यम से, सिविल डिफेंस के माध्यम से नागरिकों को यातायात के लिए जागरूक करने का अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों को बताया गया है कि बिना सीट बेल्ट और बिना हेलमेट का वाहन ना चलाएं। इस अवसर पर डिविजनल वार्डन विकास जलान, स्टाफ ऑफिसर मनोवर सुल्ताना, रागनी सिंह, अमरनाथ जायसवाल, दिव्या गुप्ता, शालिनी वर्मा, रितिका मिश्रा, आरजू खान सहित ट्रैफिक इंस्पेक्टर एवं ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर व अनेको आरक्षी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के लिए, रोड सेफ्टी के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए लगातार विभिन्न माध्यमों से हम अवेयर कर रहे हैं। इसी कड़ी में सिविल डिफेंस गोरखपुर भी हमारा साथ दे रही है, तो सिविल डिफेंस के आज सारे फीमेल वार्डनर्स ने, सब ने इसमें सक्रिय योगदान दिया और इन सभी लोगों ने नागरिकों के लिए ट्रैफिक रूल्स समझाए यहाँ कचहरी चौराहे पे, और आगे भी ये कार्यक्रम विद्यालयों के माध्यम से और सिविल डिफेंस के माध्यम से और हमारा FM चैनल है, ITMS है, सभी तरीके से नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का ये हमारा अभियान जारी रहेगा। तो इसी संबंध में ये हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया था लोगों को जागरूक करने के लिए।
शाहपुर व गोरखनाथ पुलिस की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को स्पोर्ट्स कॉलेज चौराहे के पास से गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान मुकेश कुमार वर्मा पुत्र सुरेंद्र वर्मा निवासी वैलो थाना पिपराय जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक पंकज यादव, उप निरीक्षक सत्य प्रकाश, हेड कांस्टेबल नरुद्दीन खान, कांस्टेबल प्रशांत नाविक, राहुल सरोज, दीपक यादव शामिल रहे। खोराबार ब्लॉक के सेक्टर स्थित भाजपा के नवीन कार्यालय भवन का 10 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा, तथा साथ ही बागपत, अलीगढ़, रायबरेली, जौनपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, अयोध्या में जिला कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन होगा, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह ऐतिहासिक बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही है। इसी उपलक्ष में मंगलवार को नवीन भाजपा कार्यालय पर अखंड रामचरितमानस का पाठ शुरू किया गया, जो 24 घंटे चलेगा, और बुधवार को समापन के दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि यहां पर एक बड़ी जनसभा कराने की तैयारी है, जिसमें कल्याणकारी योजना के लाभार्थी भी शामिल होंगे। इस अवसर पर व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, क्षेत्र मंत्री जनार्दन तिवारी, मीडिया प्रभारी डॉक्टर बच्चा पांडे, जितेंद्र बहादुर, पंकज जायसवाल, बद्री जायसवाल, रोहित राजभर, समीर श्रीवास्तव, अंकित मिश्रा, पवन त्रिवेदी, अजय श्रीवास्तव, भूपेंद्र पांडे, अष्टभुजा श्रीवास्तव, छोटेलाल पासवान, अभिषेक शुक्ला, चंदन आर्य, शैलेश पासवान सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः विष्णुवाद्या वायु कलशादिष्टा देवताभ्यो नमः तद्देहस्थ प्रक्षालनं नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यमध्ये दुर्वां पुराणं पुष्पाणि प्रक्षेप्य ध्यानम् ॐ नाभ्यालासे दन्तर्चकोशेष्टौ क्षमवर्तताभ्यां भो मृतिसः श्रोत्रा तथा लोकाः अकल्पयन्ना नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते पञ्चवारं ब्राह्मणं कृत्वा ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदाराय स्वाहा क्षमानाय स्वाहा मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तरा पोष्टं समर्पयामि तदन्ते गन्धानुलेपनम् अक्को अक्को सुनाते समर्पयामि तदन्ते फलस्पर्शः इदं फलं मया देव स्थापितं कुरुतस्तव तेन मे सफला भाप्ते हवे जन्मनि जन्मनि अखंड विप्लम समर्पयामि उपवासार्थे एकारोंगम समर्पयामि ओम जपुरु केड़ा हविता देवान्यवतान वता वसंतोष्या शरद कवि ही उपवासार्थे एकारोंगम समर्पयामि अरे खले अधर अधर ओ साधु गुणगा ओ भय अपार ओ दधी अवगार अरि ते कछु रुद्र वसने पकारी संग्रह त्याग गणवीरो पैसानी पहले तुम सब
10 तारीख को जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, इसलिए आज क्षेत्रीय कार्यालय पर वहां अखंड रामचरितमानस का पाठ शुरू हुआ है जो 24 घंटे तक वहां चलेगा। हमारे गोरखपुर जिला महानगर और क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ता भी वहां आ रहे हैं। कल दोपहर बाद तक वो रामचरितमानस का पाठ समापन होगा, वहां भंडारे का आयोजन होगा, सभी कार्यकर्ता प्रसाद लेकर जाएंगे, यानी तैयारियों की दृष्टि से पूजा अर्चना का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है और 10 तारीख को उसका विधिवत उद्घाटन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी करेंगे। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद का हुआ तबादला। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कृष्णा करुणेश को मिली गोरखपुर जिले की कमान। विजय किरण आनंद बने बेसिक शिक्षा विभाग का विशेष सचिव एवं स्कूल शिक्षा का प्रभारी महानिदेशक, सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक के साथ मेला अधिकारी, कुंभ मेला प्रयागराज का अतिरिक्त प्रभार। गोरखपुर जोन पुलिस द्वारा अपराधियों को सजा देने के लिए न्यायालय में की जा रही है कठोर पैरवी। एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, न्यायालय में पैरवी करके अपराधियों को दिया जा रहा है सजा। तीस मई को ग्राम रामगढ़ उर्फ रजही में जमीन व संपत्ति के लिए बुजुर्ग महिला की हत्या करने वाले अभियुक्त को कोराबार पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया खुलासा। प्रदेश के सभी जनपदों में पुलिस द्वारा माफिया व गैंगस्टर के विरुद्ध की जा रही है कठोर कार्रवाई। एडीजी जून ने कहा, गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों की संपत्ति की जा रही है जब्त, आगे भी चलती रहेगी इस तरह की कार्रवाई। सिग्नल पर बाएं लेन को खाली रखकर शहर के यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में ट्रैफिक पुलिस को दे सहयोग। एडीजी जोन व एसपी ट्रैफिक ने कहा, वाहन चलाते समय नागरिक सिग्नल पर बाएं लेन को रखे खाली, यातायात नियमों का करे पालन। तीन जून को गुलेरिया थाना क्षेत्र में हुई हत्या के संबंध में तीन अभियुक्त हुए गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल, दो जिंदा कारतूस किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। भाजपा के 10 जून को होने वाले गरीब कल्याण जनसभा एवं नवीन क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन की तैयारियों को लेकर क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न। ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 7 जिलों के कार्यालय का होगा वर्चुअल उद्घाटन। जनपद में यात्रियों की सुविधा के लिए शासन के द्वारा दी जा रही है 25 नए इलेक्ट्रिक बसें। नगर आयुक्त ने कहा, 52 बसों से महानगर के यात्रियों को यात्रा करने में मिलेगी सहूलियत, नागरिकों को शहर में आने जाने में मिलेगी सुविधा। अपराध पर लगाम लगाने के लिए गोरखपुर जोन के सभी चौराहों पर ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाया जाएगा सीसीटीवी कैमरा। एडीजी जोन ने कहा, सीसीटीवी लगाने में सांसद, विधायक, प्रधान, पार्षद सहित बिजनेसमैन का लिया जाएगा सहयोग, अपराध व अपराधियों पर लगेगा लगाम। नागरिक सुरक्षा कोर कोतवाली व यातायात पुलिस तथा एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में चलाया गया यातायात जागरूकता अभियान। कहा, लोगों की जान बचाने के लिए लगातार चलाया जा रहा है यातायात जागरूकता अभियान। गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को शाहपुर एवं थाना गोरखनाथ पुलिस की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और
खोराबार ब्लॉक के सिक्टौर स्थित भाजपा के नवीन कार्यालय भवन का 10 जून को होने वाले उद्घाटन के मद्देनजर नवीन भाजपा कार्यालय पर 24 घंटे चलने वाले अखंड रामचरितमानस का पाठ मंगलवार को हुआ शुरू। क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, बुधवार को समापन के दौरान भंडारे का भी किया गया है आयोजन। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।